अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिला हिसार के कस्बा बरवाला के समीप व्रती गांव ढाणी गारन में अज्ञात बीमारी से अनेक पशुओं की मौत। ग्रामीण सख्ती में अनेक पशुओं का चल रहा है इलाज। ग्रामीणों में अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर है भारी चिंता। ग्रामीणों के अनुसार मरने वाले प्रत्येक पशु की कीमत 90,000 से ऊपर की है। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची गांव में। शुरू किया गया उपचार और पशुपालकों को बताए गए बीमारियों से बचने के उपाय। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सतीश कुमार ने गांव में पशु अस्पताल खोलने और मृतक पशुओं के मालिकों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। गांव में पहुंचे पशु चिकित्सा विभाग के SDO डॉक्टर हुकमचंद, वेटनरी सर्जन डॉक्टर कपिल, डॉक्टर कृष्ण जांगड़ा, डॉक्टर अमन सरोहा, डॉक्टर सुनील यादव और VL डॉक्टर ए प्रताप सिंह, राजेश और पशु सहायक परिचर महेंद्र सिंह ने गांव में डाला डेरा। मैं इस समय हरियाणा के जिला हिसार के ढाणी गारन में हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से गाँव के सभी पशुओं में अचानक ऐसी भयंकर बीमारी फैली हुई है कि अनेक पशुओं की यहाँ मौत हो चुकी है। ग्रामीण सख्ते में है। पिछले काफी दिनों से अब तक 2 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। ग्रामीण परेशान है कि आखिर इस तरह की भयंकर बीमारी कैसे आई और इस बीमारी से जिन लोगों के पशु गुजरे हैं उनको हताश होना पड़ रहा है। गाँव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि गरीब लोगों ने छोटे छोटे पशुओं को पालकर बड़ा किया, जिससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अचानक आई बीमारी से इन पशुओं की मृत्यु होगी, जिससे उनका रोजगार खत्म हो गया। वे लोग परेशान हैं और गांव के लोग ये चाहते हैं कि सरकार इनको मुआवजा भी दे और जल्द से जल्द इन बीमारियों पर निजात पाए। ढाणी में आए हुए हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर जी, बताए जो ढाणी के अंदर एक ये पशुओं में बीमारी आकर पशु मर रहे हैं, पूरा गांव परेशान है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं विस्तार से, क्या समस्या है, किस कारण से ये दिक्कत आ रही है? देखिए, ये पूरे गांव में नहीं है, एक मोहल्ले तक सीमित है। गांव ढाणी में एक मोहल्ले में मतलब काफी पशु मतलब ये बीमार चल रहे हैं। कल इनकी कुछ कैजुअलिटी भी है और उसके बाद में पूरी टीम है वो गाँव में है दिन रात। अब आज है, काफी इनका आराम है, अब कोई नए केस नहीं हो रहे। मतलब क्या कारण बताया गया है कि जिस कारण ये बीमारी अचानक फैली है ऐसा? ये कुछ मौसम की स्ट्रेस है, कुछ निमोनिया मतलब बनता है इनमें, लीवर पे बिलोड है। ऐसा पहले भी कभी होता था कभी किसी गांव में? ऐसे आपने कोई घटना बताएंगे किस तरह भी ऐसे होता था? स्पोरैडिक केस निमोनिया के हो जाते हैं। हो जाते हैं कोई ऐसे। तो अब जो गाँव के लोकल यूनिवर्सिटी में भी अपना चेकअप करवा के लेके आए पशुओं का, वहाँ की रिपोर्ट के आधार पर ही आपने इनका इलाज शुरू किया है? ना, हमारा तो पहले से चल रहा है, उनकी रिपोर्ट तो बाद में आई है। उनकी रिपोर्ट में क्या पाया गया? उनकी रिपोर्ट भी निमोनिया ही मतलब है, कुछ निमोनिया ही। एक गांव के जो ग्रामीण लोग हैं ये कह रहे हैं कि पशु की चिकित्सा के लिए वो अपने खर्चे पर ही डॉक्टर को बुलवा रहे हैं और अपने खर्चे में दवाइयां ला रहे हैं। क्या विभाग दवाइयों नहीं देता इनके पशुओं के लिए? कल भी विभाग ने शाम को लगाई है कंपनी, कुछ हमने कल आते ही जो सीरियस थी, जो ज्यादा थी, उनको मतलब प्रिस्क्राइब करी थी। आज हम लेके आए हुए हैं, आज अब भी वही काम है हमारा। तो अब सब काम मतलब विभाग की तरफ से ही मेडिसिन लगी। तो आगे से आप क्या संदेश देना चाहोगे ग्रामीणों को पशुओं के रखरखाव के लिए? मेरा तो ये संदेश है कि एक तो घर से जोड़ पे पानी नहीं पिलाएं, घर से निकाले ही नहीं, क्योंकि मतलब पशु घर के अंदर रहेंगे, कुछ साफ सफाई रखें, पानी साफ हो, किसी का जूठा हो दूसरे पशु का वो नहीं पिलाया जाए, ताकि जितनी मतलब ये सावधानी रखी जाए उतनी ही मतलब जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई एक मोहल्ले में ही है, कोई ज्यादा है भी नहीं। लक्ष्य जैसे ये पशुओं की जो मृत्यु हो रही है, हाँ जी, इस पर क्या आपका विभाग या सरकार को मुआवजा भी देती है? मुआवजा तो क्लेम जिनका जो इंश्योरेंस होता है उनका मिल जाता है, जिनका इंश्योरेंस होता है उनका तो मिल जाता है। वैसे सहानुभूति के रूप में कोई विभाग ऐसा नहीं कर पाता? किसकी कोई भी बाकी स्कीम नहीं है, इंश्योरेंस होता है उनका क्लेम हो जाता है। धन्यवाद सर। मैं गांव ढाणीगारन की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि मेरे गांव की जनसंख्या के आधार पर पहले भी सर्वे करवाई गई थी सरकार की तरफ से, और उस हिसाब से हमारे पशुओं की जो जनसंख्या है उसके आधार पे हमारे गांव में पशु अस्पताल बन सकता है। परंतु हम भी बार बार जैसे CM साहब यहाँ आए थे उनके पास भी हमने लिख के भेजा था,
लेकिन मेरे गांव में पशु अस्पताल ना होने की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना ही डाणी गारण में कोई पशु अस्पताल है, ना ही डाणी खान बहादुर में कोई अस्पताल है, और ना ही डाणी मिरदाद में कोई अस्पताल है। तो जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो डाणी गारण की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, और उसके आधार से मेरे गाँव में जो पशु अस्पताल है वह उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे गांव में जो ये बीमारी आई हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रामीणों का नुकसान हुआ है, एक घर से दो दो पशुओं की भी मौत हुई है, और हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मेरे गाँव में पशु अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, और इसके लिए ग्राम पंचायत ने अपनी जगह और उसकी जो रजिस्ट्री है वो भी आगे पहुंचा दी थी, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार जो है ना हमारे गांव में पशु अस्पताल के लिए हमें यहां पशु अस्पताल दें, और जो जिनकी भी ये पशुओं की मौत हुई है उनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और उन्हें मुआवजा भी देने का प्रावधान अगर सरकार करे तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये कितने दिन से बीमार हैं ये वाली भैंस? 3 दिन हो गया। 3 दिन से? हाँ। कुछ खाया पिया नहीं इन्होंने? नहीं जी, कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ दवाइयाँ चल रही। हाँ, दवाई चल रही। कहाँ दवाई आपने वो भैंस से और कट्टा? यहाँ पे दवाई है जी। यहाँ दबा दिया? हाँ, तो नाम बताओ जी आपका? इंद्र सिंह है जी। डाणी से? डाणी कारण है। तो क्या हुआ थोड़ा बताएं, कौन सी आप गाय भैंस के बारे में बता रहे थे? गाय का जी उसका एकदम शरण सी होगी, सारे गात में सुन होगी, सुन होना करके अदरंग में से होके नर एकदम ही मतलब पड़ गई, वाह पड़ने के बाद वो ठीक होने वाह। दूसरे दिन मर्जी दे दिया जी उसने। तो उससे पहले डॉक्टरों को दिखाया था आपने कोई? हाँ, डॉक्टर ने दिखाया जी। तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने टीके लगाए जी, 400 रुपया का एक लिया आया, 400 का एक लिया आया, 2 टाइम टीके लगवाए जी उसके, कोई असर नहीं हुआ? कोई असर को नहीं आया टीका का। तो मतलब किस कारण से ये गांव में इतनी बड़ी घटना हो रही है, कोई है आपके दिमाग में ऐसी बात? मेरे कोई दिमाग में क्या बताऊं जी, मेरे दिमाग में बुखार चढ़ा है, वो डॉक्टर डेमने बुखार हुई है जी, उसके हिसाब में मतलब या हुई है, डॉक्टर के समझ में कोई आया जी, टीके लुवाई भी दुआई टीके खराब पड़े हैं जी मेरे। हाँ जी, आप बताओ ये एक बार गाँव की स्थिति जो है पशुओं के बारे में क्या बताओ जी आप? सरुम तो मारी मरी जी। अच्छा, बड़द मरे जी, मारी झोटी 3 साल की। हाँ जी, सरुम तो बड़द मरे एक मारा। अच्छा। फिर बाद में इसकी झोटी मरी, फिर उसकी मतलब फिर 1.5 साल की उसकी मरी, एक बड़ी कितनी साल की थी? 2 साल की, 2 साल की बड़ी। ब्याही हुई झोटी 3 महीनों की ब्याही हुई थी अभी, 3-4 रोज में। हाँ जी, मतलब जैसे पशु आप रखते हैं, हाँ। जैसे सामान्य पशु था, अचानक जब ये उसको कोई तकलीफ महसूस है तो उसके अंदर क्या लक्षण में बदलाव हुआ अचानक, आपको ये लगा कि इसके अंदर तकलीफ है भैंस को? इसको बर्द को आपने तो बुखार बताई। अच्छा जी। तो फिर कोई मुँह खुरा रहे जी, फिर दोबारा भाई जी और भी कोई टिक्का टाका लग करवा लिया सारा, बहुत दिन तक दवाई लगवाई, बहुत दिन तक बर्द पड़े रहा। तो जो आपने दवाई पानी 1-2 दिन पशुओं की करवाई है, हाँ। वो अपने खर्चे पे करवाई है सरकार के तरफ से? करवाई सरकार की तरफ से, कोई सहायता नहीं, कोई सरकारी डॉक्टर पशुओं का चिकित्सक? नहीं जी, नहीं, डॉक्टर आप बुलाते हो और वो आपसे फीस भी लेते हैं, और जो दवाई लगती है वो आप अपने पैसे से लेते हैं? पैसे से लगवाए, मतलब पशु विभाग की तरफ से कोई दवाई पानी का कोई? कुलदीप सोनी कैमरामैन रोहित सोनी के साथ में, हर न्यूज हरियाणा बरवाल।